Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibill Pro. I hope you guys will be fine and doing great. So today we are going to start our 50th lecture in Basic Medical Billing course. So in this lecture we are just going to cover the top 10 denials in medical billing. Like the claims are denied due to different kind of reasons. There are different kind of a, uh, scenarios and reasons. So we are just going to discuss the top 10 one. Okay. So in this lecture. So these top 10. Uh, denials will be fixed so how we can just fix these kind of a denials and what are the solutions to these kind of a denials and we will share these kind of a things with the examples as well okay so without wasting time let's start the lecture okay as you guys can see that medical billing and coding denials so medical billing and coding denials can occur due to various reasons including incorrect coding incomplete documentation lack of medical necessity and more here are 10 common denial reasons along with their solutions and examples. Okay, so we will just cover these top 10 denials with the solution and with the examples as well. Okay, so let's start. What is the first one? So, the first one is going to be incorrect coding. like if you are just going to uh, code different kind of a, uh, procedures or uh, diagnosis codes then the claim would be denied due to these incorrect coding okay so if these are incorrect one so dekha jata hai ki haan bhi agar koi code aap uh, kisi coder ne kiya hai aur wo ye hai ki agar incorrect है सो so, उसकी वजह से जब वो क्लेम बनाया जाएगा जब insurance को send किया जाता है तो insurance उस claim को deny कर देती है किस base के ऊपर कि हाँ भी ये जो reason code दिया गया है ये जो codes दिए गए हैं

अप्रोप्रिएट नहीं है या भी है कि वो इनकरेक्ट है ओके okay? सो so, इसका सोल्यूशन क्या होता है सो रिव्यू द मेडिकल रैकेड इसके लिए मेडिकल रेके देखे जाते हैं कि हाँ भी मेडिकल रैकेड्स के अंदर मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं सो बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू द कोडिंग टाइप ऑफ प पर्सनल ठीक है so अगर कोई मेडिकल बिलर है और उसके अलावा जो मेडिकल कोडर होते हैं उनको ये चीज़ रिव्यू करनी पड़ती है कि हाँ भी आया कि जो हमने कोडिंग की है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं है ओके सो इंश्योर एक्यूरेट कोडिंग एंड री सबमिट द क्लेम विद करेक्ट कोड्स ठीक है इसका सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि हाँ भी आप लोगों ने उस कोडिंग को uh, वेरीफाई करना होता है उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करना है रेक्टिफाई करने के बाद आपने सिंपली जो क्लेम है वो अपना रिसबमिट कर देना होता है एग्जाम्पल यूजिंग द इन आईसीडी कोड फॉर अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस लीडिंग टू अ क्लेम डिनाइल solution involves verifying the accurate diagnosis डायग्नोसिस फॉर the medical मेडिकल and एंड री सबमिटिंग विद अ करेक्ट कोड ठीक है सिंपली यही है कि हाँ भी अगर कोई आप लोगों के पास आप लोगों ने क्लेम सबमिट किया है उसके अंदर यह है कि जो आप लोगों का प्रोसीजर कोड था या डायग्नोसिस कोड थे वो दोनों मैच नहीं कर रहे ठीक है सो so, उसकी वजह से ये है कि इंश्योरेंस ने वो क्लेम जो है वो डिनाई कर दिया है और जब वो डिनाई करते हैं तो उसके साथ वो रीजन कोड भी देते हैं दैट इज सी ओ सिक्सटीन ओके सो ये रीज़न कोड बेसिकली दिया जाता है जिसकी वजह से जो आप क्लेम होता है वो डिनाई होता है ठीक है इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आप लोगों ने मेडिकल रिकॉर्ड्स जो मेडिकल कोडर होते हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं देखने के बाद यह कि आया कि उनको पता लग जाता है कि हाँ भी ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने अगर कोड इनकरेक्ट कोड कर दिया गया है तो उसको रेक्टिफाई करके उसको मेजी है कि करेक्ट करके आप लोगों को सेंड कर सकते हैं ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट वन लेट सी द वॉट इज द सेकंड वन इट्स मिसिंग इन्फॉर्मेशन इसके लिए भी सेम रीजन कोड ही वो दिए देते हैं इश्योरेंस जो मीन्स डिनाई कर दी है ठीक है आपको एक्सप्लेशन और बेनिफिट्स के ऊपर या ई आर ओ के ऊपर जो चीज़ यह प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर सी ओ सिक्सटीन से वो जो रीज़न कोड होता है मीन्स वो जो डिनयल होता है वो आपको इसे मीनस डेप डेपिक्ट किया जाता है ओके सो डिनालिजन क्या है कि इंफॉर्मेशन सच एज पेशेंट्स डेमोग्राफिक आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग आर इनकम्प्लीट सो इसकी एक स्टेटमेंट ये हो सकती है कि हाँ भी जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है मीन उसके अंदर उसका एड्रेस डेट ऑफ बर्थ उसका क्या कहते हैं पेशेंट्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम इसके अंदर कोई अगर वेरिएशन है ठीक है अगर इनकरेक्टली प्रोवाइड किया गया इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस पेशेंट की जो इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन है पॉलिसी नंबर है इफ दैट इज करेक्ट देन दे कैन जस्ट डिनाई दैट काइंड ऑफ अ क्लेम ड्यू टू दिस रीजन विद सी सिक्सटीन डीनाइल कोर्ट ओके और इसके अलावा अगर प्रोवाइडर की भी इंफॉर्मेशन लाइक उसका टैक्स आईडी उसका एनपीआई पी आई वहाँ पर प्रोवाइड गलत किया गया है ठीक है दैट इफ दैट इज़ इनकरेक्ट then the insurance can deny that code as well. Okay. और इसके अंदर कोई चीज़ अगर मिसिंग है ठीक है सो तो इस वजह से भी ये सी ओ सिक्सटीन से आप लोगों का क्लेम जो है वो डिनाई हो सकता है सो so, सोल्यूशन क्या है डबल चेक ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर कंप्लीट बिफोर सबमिशन हमेशा जाहिर सी बातें वी नॉर्मली रिव्यू दिस काइंड का थिंग्स वी यूली सी चेक ऑल द डिटेल्स विच बिफोर सबमिटिंग द क्लेम्स ओके बट हो सकता है कि हाँ भी कुछ इशू हो सकता है कुछ एरर चला जाता है कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो गलत चली जाती है वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स सो जिसकी वजह से हमें डनाइल्स आ सकते हैं एंड इंश्योर एक्यूरेट पेशेंट एंड प्रोवाइडेड डिटेल्स पेशेंट की सारी डिटेल्स तो प्रोवाइडर के सारी डिटेल्स वो वेरीफाई करनी पड़ती हैं कि कि भी आया कि ये ठीक है या गलत है इसके अंदर क्या इशू हो सकता है ओके okay. सो एग्जाम्पल मिसिंग द पेशेंट्स डेट ऑफ बर्थ ऑन द क्लेम फॉर्म रिजल्टिंग द इन द डिनाल सपोज आपने क्लेम सबमिट किया उसके अंदर पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ गलत थी या मिसिंग थी ठीक है नॉर्मली गलत होती है मिसिंग तो जाहिर सी बात हो नहीं सकती ठीक है दट इज़ अ रेयर चांस बट नॉर्मली इफ दैट इज़ इन करेक्ट ओके सो अगर वो इनकरेक्ट होती है उसकी वजह से यह कि जो हमारे पास जो हमारे क्लियरिंग हाउस भी होता है वो भी हमारे क्लेम्स को वापस भेज देते हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं अगर इंश्योरेंस के पास क्लेम चला गया है दैन देट इश्योरेंस इज गोइंग टू डिनाई दट क्लेम सो वी नीड टू फिक्स दैट एरर वी नी टू रेक्टिफाई दट एरर एंड देन वी नीड टू रब री सबमिट द क्लेम solution involves updating the claim with the complete patient information and resubmitting okay so next is expired authorization this is co15 agar koi sometimes usually patients ke plan कोई बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि हाँ भी वो सर्विसेज जो पेशेंट होता है वो किसी डॉक्टर से मीनस ये है कि नहीं ले सकता और अगर उसको बाय चांस किसी मेडिकल नेसेसिटी की वजह से किसी भी रीजन की वजह से उसको लेनी पड़ती है वो सर्विसेज तो ये है कि जो जो मेडिकल प्रोवाइडर होते हैं उसको अथोरइजेशन लेनी पड़ती है उस इंश्योरेंस प्लान से कि हाँ भी वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस सर्जरी आर परफॉर्म दिस प्रोसीजर सो वी नीड एन अथोराइजेशन या ये हो होता है कि नॉर्मली वेटरन्स अफेयर्स लाइक वीए के के सिनेरियोस के अंदर ये जो अथोराइजेशन होती है ये टाइम टू टाइम जी के वेरी करती है और डायग्नोसिस टू तो डायग्नोसिस भी वेरी करती है कि यहाँ भी इस पेशेंट के लिए इस लिमिट इस मीज ये कि टाइम फ्रेम के अंदर ये वेरी अथोराइजेशन नंबर है और नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट हो सकता है सो अगर वो एक्सपायर हो गया है या वो मिसिंग है सो जब आप क्लेम सेंड करते हो ठीक है और अगर वो इंश्योरेंस के पास वो क्लेम चला गया है और वहाँ पर अथोराइजेशन कोड एक्सपायर्ड हो चुका है या ये है कि वो एक्सपायर्ड मीनस ये है कि जो अथोराइजेशन कोड था वो इनकरेक्ट है देन इंश्योरेंस इज गोइंग टू डिनाई दैट क्लेम ओके सो सर्विस प्राइथराइजेशन बट हैज़ एक्सपायर्ड और वॉज नॉट ऑप्टेंड मींस या तो ली नहीं गई या यू कैन से दैट वहां पर मिसिंग है अथराइजेशन नंबर या कि जो एक्सपायर uh, हो चुका है ठीक है सो तो ये दो चीजें हो सकती है जिसकी वजह से जो आपका क्लेम है वो सी ओ फिफ्टीन की वजह से डिनाई हो सकता है सोल्यूशन क्या है वेरीफाई अथोराइजेशन रिक्वायरमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज यस मेडिकल प्रोवाइडर जो होते हैं उनको चाहिए कि हाँ बी बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दे नीड टू गेट द अथोराइजेशन दथोराइजेशन नेसेसरी एसेसरी एंड रीसबमिट द क्लेम विद वैलिड अथोराइजेशन डिटेल्स उसके बाद यह कि आप लोग इंश्योरेंस को कॉल करें उनसे अथोराइजेशन नंबर लें अथोराइजेशन नंबर एड करें क्लेम के और उसके ऊपर क्लेम को नॉर्मली रीसबमिट दें ओके okay.

Okay, next is duplicate billing. ये काफ़ी सारे डिनाइल्स आते हैं जिसकी वजह से ये है कि हमारे जो क्लेम्स होते हैं वो डिनाई हो जाते हैं सो so, डिनाल क्या है द सेम सर्विस और प्रोसीजर इज़ बिल्ड मोर देन वंस फॉर सेम पेशेंट एंड डेट ऑफ सर्विस मीन्स सेम सर्विसिज प्रोवाइड की गई हैं सेम डायग्नोसिस था सेम पेशेंट था सेम डेट ऑफ सर्विस के ऊपर वो अगर क्लेम्स रीसबमिट हो जाते हैं इंश्योरेंस को तो उसकी वजह से इंश्योरेंस जो है हमारे क्लेम्स को डिनाई कर देती है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट क्लेम्स बिफोर सबमिशन एंड इंश्योर ओनली वन क्लेम इज़ सबमिटेड फॉर द सर्विसज ईच रेंडर ठीक है मीन्स जो भी क्लेम सेंड किया गया है उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड थी वो एक बार ही मीन्स ये क्लेम बिल हो ये है कि डुप्लीकेट बिलिंग ना हो एग्जाम्पल बिलिंग फॉर अ कंसल्टेशन सर्विस ट्वाइस ऑन द सेम डेट फॉर द सेम पेशेंट आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट क्लेम्स एंड रिमूविंग इट बिफोर सबमिशन ओके मीन्स ये कोई ऐसी डेट ऑफ सर्विस के ऊपर अगर दो बार पेशेंट को चेक किया गया है ठीक है कंसल्टेशन की गई है तो उसके ऊपर यह है कि आप लोग दो बार ये क्लेम सेंड नहीं कर सकते ठीक है सो so, इस वजह से यह है कि अगर कोई डुप्लीकेट क्लेम जाता है तो उसके ऊपर यह है कि वो आप वॉइड करवा सकते हो ओके okay. Next is non-covered services CO15. Okay, the services provided is not covered under the patient's insurance policy or plan. Okay, जो patient ने plan purchase किया है, जो policy उसके policy holder है, उसके benefits के अंदर ये चीज means ऐसे service जो उसने ली है किसी भी provider से, तो so वो उस plan benefits के अंदर आती नहीं थी, जिसकी वजह से जो insurance ने वो जो uh, claim था, वो deny कर दिया है। इसके लिए CO50 uh, denial code use किया जाता है। Solution क्या है? Verify coverage and medical necessity before providing services. Inform the patient of non Covered services and explore alternative payment options. Main hai before submitting the claims you need to verify the benefits of the member. Like if we are going to submit the claim, the member has these kind of benefits or not. Normally medical may agar uh, insure uh, jo Medicare ka uh, patient hota hai, like uski agar Medicare ki kya पॉलिसी है और उसका मेडिकयर का पार्ट भी इनएक्टिव है देन यू कैन नॉट सबमिट द क्लेम टू मेडिकीर बिकॉज मेडिकेयर इज नॉट गोइंग टू पे फॉर देट काफ द मेम्बर इज़ इन एक्टिव विद मेडिकयर पार्ट भी फॉर द मेडिकल सर्विसि ओके सो पहले हमेशा नॉर्मली हर इंश्योरेंस के लिए देखना पड़ता है कि हाँ भाई पेशेंट्स के इस किस्म के बेनिफिट्स हैं कि नहीं है अगर नहीं है तो वो जाहिर सी बात वह डिनई हो जाएगा उसके बाद यह है कि आपने पेशेंट्स से डिस्कस करना है कि हाँ भाई हाउ य जस्ट गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ क्लेम सो यू will be responsible for this claim. Okay, billing for a cosmetic procedure, example, non not covered by the patient's insurance. Solution involves informing the patient upfront above the non-covered services and discussing payment options. Yes? These kind of services were not included in your benefits. So how we are just going to go away. Okay, so you guys just need to discuss the payment plans like the patient is responsible then how the patient is going to pay all the dues. Okay. So next is timely filing limit exceeded. So this is a common denial. Okay. So This is very crucial one as well. So CO29, the insurance deny this code, deny the claim with this code CO29. Denial reason kya hai The claim was not submitted within the insurer's specified time frame. Okay, in हर insurance का जो time frame होता है claim means ये कि receive करने का वो different होता है किसी का 90 days, किसी का 120 days, किसी का uh, 180 days. Okay, so इस uh, किसी का one year भी होता है कि हाँ भी date of service से आप लोगों ने ये claim इस date तक हमें means ये कि receive हो जाना चाहिए. अगर वो claim किसी भी reason की वजह से वो क्लेम सबमिट नहीं किया जाता देन इंश्योरेंस इज गोइंग टू रिजेक्ट आर डिनाई दैट क्लेम विद सी ओ टेंटी नाइन ड्यू टू टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड सो इसका सोल्यूशन क्या है मोनीटर एंड एडहेयर टू टाइमली फाइलिंग लिमिट्स मीनस ये है कि जाहिर सी बात है कोशिश करनी है कि जो भी टाइमली फाइलिंग लिमिट्स हैं जिस जिस इंश्योरेंस की हैं विद इन दैट टाइम फ्रेम यू नीड टू सबमिट द क्लेम सबमिट क्लेम्स पॉम्पली एंड रिक्वेस्ट एक्सटेंशन इफ नेसेसरी और फिर है कि अगर मीनस ये डिले हो गया है तो उसके बाद यह है कि आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो या समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ भी इंश्योरेंस का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में प्राइमरी या सेकेंडरी इंश्योरेंस के बारे में वो हमारे पास इनकरेक्ट होती है सो so, पहले ये है कि किसी और इंश्योरेंस को हम सेंड कर चुके होते हैं क्लेम वहाँ पर काफ़ी अर्सा वहाँ पे ये है कि मीन अप uh, होता रहता है बट ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रीजन डिले हो जाता है और एंड में पता लगता है कि हाँ भी वो क्लेम uh, उस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर वो इंश्योरेंस जो है वो उसकी एक्टिव ही नहीं थी सो वी नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट इंश्योरेंस इंफॉमेशन एंड देन री सबमिट द क्लेम टू द करेक्ट वन सो इसकी वजह से ये है कि काफ़ी डिले जब हो जाता है तो इंश्योरेंस वो क्लेम

next is medical necessity not established co50 means medical necessity not established this risk gives a claim insurance denied denial reason the service provider do not meet the insurers criteria for medical necessity means as services provide which iha jo show the medical necessity require take a time medical necessity but pbb provider service so we are not going to cover these kind of a services solution insure Thorough documentation supporting the medical necessity of services rendered including diagnosis. ट्रीटमेंट प्लान एंड पेशेंट रिस्पॉन्स ठीक है उसके बाद ये है कि अगर इंश्योरेंस इस क्लेम को डिनाई करती है विद दिस ऑफ रीज़न कि हमें मेडिकल नेसेसिटी की नहीं जरूरत थी और फिर भी प्रोवाइडर ने ये सर्विस प्रोवाइड की हैं दैन यू गैस नीड टू सबमिट एन अपील विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद द प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स वेवर ऑफ लाइबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा जितने भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है ठीक है जो ये शो करती है कि हमें मेडिकल नेसेसिटी थी जिसकी वजह से प्रोवाइडर्स ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ओके देन यू नीड टू सबमिट एन अपील प्रॉपर वे में उसके बाद यह है कि 90% chances that insurance will cover that kind of a service. Example billing for an elective procedure with sufficient documentation of necess medical necessity. Solution involves obtaining the doc and documenting supporting evidences of medical necessity before res resubmitting the claim. Take claim resubmit medical necessity documentations, medical records, and you need to submit all those kind of documents to insurance. Okay. So in this way, your claim will be i hope that will be accepted and approved for the reimbursement next is out-of-network services okay so denial isn't care the provider is not contracted or enrolled within the patient's insurance plan resulting in out-of-network billing so मोस्टली इस तरीके के डिनाइल्स आते हैं जब पेशेंट किसी अपने इन नेटवर्क प्रोवाइडर से मीन जी है कि कोई सर्विस सरेंडर नहीं करता मीनज ये नहीं लेता जब वो आउट ऑफ नेटवर्क जाके कोई भी सर्विस मीन य है कि लेता है तो उसकी बिना के ऊपर इंश्योरेंस जो है ये क्लेम डिनाई कर देती है कि देट यूर पेशेंट हैज़ नॉट डायग्नोज हैज बीन नॉट डायग्नोज फ्राम द इ नेटवर्क प्रोवाइडर बट द आउट ऑफ नेटवर्क देर फॉर वी आर जस्ट नॉट गोइंग चार्जेज आर बिल्स ओके सो इसमें करना क्या होता है वेरीफाइड प्रोवाइडेड नेटवर्क स्टेटस बिफोर रेंट नेटवर्क होता है वो देखना पड़ता है कि हाँ भी क्या ये इन नेटवर्क है द पेशेंट ऑफ़ पोटेंशियल चार्जेस उसको बताना पड़ता है सर्विसिज ओके uh, uh, kind of okay? उसको बताना चाहिए अगर यह है कि हमारा हम क्लेम भेजेंगे नॉर्मली अगर क्लेम डिनई होता है तो उसके बाद यह है कि अगर क्लेम डिनई होता है दैन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस ओके एंड एक्सप्लोर ऑप्शन फॉर इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स और उसके बारे में देखा जाता है कि हाँ भी अगर इन नेटवर्क प्रोवाइडर है तो यह है कि वो बेसिकली कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम भी जो पेशेंट है वो उनसे ही जाकर अपनी जो सर्विस है वो ले अदरवाइज ये है कि आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स के रेट्स भी ज्यादा होते हैं जाहिर सी बात वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते दे आर जस्ट अपलाइंग आर जस्ट गोइंग टू बिल द सर्विस बट एवर दे वांट ओके सो उनके अपने ही रेट्स होते हैं बट इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के ये है कि रेट्स कम होते हैं क्योंकि उनके इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट uh, होता है एग्रीमेंट होता है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दैट काइंड ऑफ़ ऑफ़ ऑन दोज़ काइंड इन

इसके अंदर आती है प्री अरेंज डाक प्रोजेक्ट मीन्स प्री अरेंज डिमॉन्सट्रेशन प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हम ये कहते हैं दिस रेफर्स टू अ स्पेशल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व टेस्टिंग न्यू हेल्थ केयर डिलीवरी और पेमेंट मॉडल्स इसके अंदर कोई न्यू हेल्थ केयर डिलीवरी है या पेमेंट मॉडल्स मीनस ये है कि चेक किए जा रहे हैं कि यहाँ भी कौन कौन से न्यू हेल्थ केयर की है कि डिलीवरी मीनस कोई कोई ऐसी सर्विस जो ये न्यू हेल्थ केयर के अंदर प्रोवाइड की जा रही है या कोई पेमेंट मॉडल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है ऑफन इनिशिएटेड बाई गवर्नमेंट एजेंसीज और इसके अंदर ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं like मेडिकेयर और ये बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं ये स्टार्ट करते हैं और प्राइवेट इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर सकती है दिस प्रोजेक्ट्स आर डिज़ाइन टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इनोवेटिव अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी रियम्बर्समेंट्स और पेशेंट केयर मैनेजमेंट इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि हमें रियम्बर्समेंट के कौन कौन से मॉडल्स हम कर सकते हैं और कोई हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और पेशेंट एंड केयर पेशेंट की केयर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं सो so ये होता है प्री अरेंज्ड डिमॉन्सट्रेशन प्रोजेक्ट ठीक है अब इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है इन द कंटेस्ट ऑफ डिनाइल कोड्स मीनस डिनाइल कोड्स को देखते हुए एन एडजस्टमेंट मीन्स दट द क्लेम्स रीइम्बर्समेंट और पेमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड और चेंज फॉर अ स्पेसिफिक रीजन मीन्स ये है कि उसके अंदर जो हमने पेमेंट करनी थी पेमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट की है कुछ चेंजेस किए हैं कुछ मॉडिफिकेशनस किए हैं ओके सो इन द केस ऑफ सी ओ थर्टी टू वन थर्टी टू द एडजस्टमेंट इज़ रिलेट टू द पार्टिसिपेशन इन द प्री अरेंज डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट है, अब सीओ थर्टी टू के लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि हां भी जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जब हमारे पास इस तरीके का डिनाइल आता है सो so, ये रीज़न उसके कंटेक्स में आती है कि हाँ भी उस क्या कहते हैं हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ने वो जो ये प्री अरेंज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये है उन्होंने पार्टिसिपेशन की है ठीक है कोई लायक like है कि किसी मॉडल के अंदर कोई हेल्थ केयर सर्विस के, के अंदर मोडिफिकेशन करने की कोशिश की है या ये है कि उसके अंदर कोई जो पेमेंट मॉडल है उसके अंदर कोई वेरीफिकेशन मीज ये uh, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है सो ड्यू टू दैट काइंड ऑफ रीज़न ये द प्रोवाइडर इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ अ डिनाइल ओके What are the implications for that kind of a participation in the pre-arranged demonstration project? When a claim is denied with code CO132, it means that the claim has undergone an adjustment as a part of the terms and conditions of the demonstration project. Means uske demonstration project ke rules and regulations policies so uske behavior par ye claim deny kiya gaya adjustments or modifications This adjustment could result in a reduction or modification of the payment amount. reduction जितनी बिल्ड अमाउंट होगी उसके अंदर या तो यह है कि उसकी जो अमाउंट है वो कम कर दी जाएगी या उसके अंदर यह है कि एडजस्टमेंट की जाती है और इट कुड इन्वॉल्व अदर चेंजेस टू द टू द क्लेम प्रोसेसिंग सच एज डिफरेंट कोडिंग और बिलिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द डिमांस्टन प्रोजेक्ट अब उस डिमानस्ट्रेशन प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है रहते हुए उसकी टर्म्स एंड कंडीशनस को फॉलो करते हुए जो क्या कहते हैं जो चेंजेस की जा सकती हैं वो उसके या तो जो मेडिकल जो हमने क्लेम सबमिट किया है उसके अंदर डायग्नोसिस कोड या प्रोसीजर कोड्स के अंदर या कि जो वेरीफिकेशन चेंजेस की गई हैं सो वो ये है कि की जा सकती हैं इसके अंदर मीज़ कि उसके अंदर मोडिफिकेशन की जा सकती है या उसके अंदर रिडक्शन की जा सकती है सो so, फाइनली इसका कंक्लूजन यही बनता है कि हाँ भी जो आप पार्टिसिपेशन करते हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर सो उसमें यह है कि जो प्रोवाइडर की जो क्लेम्स होते हैं उसके अंदर या तो रिडक्शन कर दी जाती है उसके तो चार्जेस के अंदर या ये है कि उसके अंदर मोडिफिकेशन की जाती है एडजस्टमेंट की जाती है ओके okay? so it's in the documentation and communication with the healthcare providers participating in pre agent demonstration projects should ensure they are familiar with the project's guidelines. so jobi is scanned and means they participate according the jk-ham is cap rules and regulations and guidelines hain, documentation requirements hain, and any specific billing or coding instructions. it's kis kis-ham, kis -kis it is also important for the providers to communicate with the pair or organization overseeing that demonstration project to understand how claims will be processed and प्रोजेक्ट्स फ्रेम बैक सो नॉर्मली यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भी इन प्रो, प्रोवाइडर को भी इंफॉर्म किया जाए कि हाँ भी उसको पता होना चाहिए कि हाँ भी क्या गाइडलाइंस हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जब इस प्रोजेक्ट को हम मीन्स के ऑप्ट करते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो किस तरीके से इसके अंदर क्लेम्स सेंड किए जाते हैं या बिल्स किए जाते हैं Okay. So if a claim is denied with CO 132 and the provider believes it was incorrectly adjusted or denied, incorrectly adjusted they may have resources to appeal the DC and to appeal. Providers should follow the appeals process outlined by the or organization responsible for the demonstration project and provide any necessary documentation or information to the support their appeals. रीज़न ये होती है कि हाँ भी अगर वो है कि आप लोगों का जो इस प्रोवाइडर का जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था इस प्रोग्राम के अंदर जो कि मेडिकेयर या मेडिकेयर मीनस ये गवर्नमेंट की एजेंसीज ने ये स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो क्लेम डिनाई होता है तो फिर यह कि उसके पास अपील का एक चांस होता है दैन प्रोवाइडर कैन सेंड द अपील्स टू डिफरेंट काइंड इंश्योरेंस कंपनीज ओके विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ दैट प्लान ठीक है उस प्लान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो गाइडलाइंस हैं जो पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करते हुए वो क्लेम के ऊपर अपील कर सकते हैं उस अपील के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चाहिए होती है जो भी मीनस है कि रेंडरिंग प्रोवाइडर ने जो भी प्रोसीजर्स किए हैं डायग्नोज़ किया है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपील्स के साथ अटैच करके सेंड करने चाहिए ओके सो दीज व टेन टॉप डिन नाइल्स सो इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कंसर्नस और प्रॉब्लम्स यू कैन लेट मी नो और इसके अलावा भी If you any denial, you can let me know. I will surely make a video on that one. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture. Till then take care of yourself and of your family and remember me in your kind prayers. Thank you so much for watching me again. Take care. Allah Hafiz.